जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। हमारे सभी व्यूवर्स को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज माता रानी का पहला नवरात्रा है, तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबका मंगल हो। रश्मि तो सुबह सुबह कर रही है अपना मंदिर की सफाई। सबसे पहले सफाई, उसके बाद ही दूसरे काम शुरू होंगे। रश्मि तो गई है स्नान करने और मेरे को बोला है कि थोड़े फूल ले आओ माता का हार बनाने के लिए। तो मैं जाता हूँ, थोड़े फूल ले आता हूँ, उसके बाद मैं भी करूंगा स्नान और फिर करेंगे माता रानी की पूजा। और हम लोग तो खेतरी भी बीजते हैं, गेहूं और जौ मिक्स करके, तो उसके बाद खेतरी बीजेंगे। आपको दिखाएंगे कि हमारा क्या कल्चर है यहाँ पर, कैसे हम नवरात्रि को मनाते हैं। हमारे यहाँ इस बार थोड़ा खराब हो गए पौधे। ऊपर हमारे पड़ोसियों के यहाँ काफी फूल लगे हुए हैं, वहीं से ले आते हैं गेंदे के फूल। ये देखो फूलों की बहार, पहाड़ों में फूलों की मौज है, कोई खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना फूल लगता है। ये गेंदे का तो बहुत ही फूल लगता है, अक्टूबर के महीने में तो जो पौधे हैं पूरे भरे रहते हैं फूलों से। जय माता दी। ये भी किस्मत वालों को मौका मिलता है माता की सेवा करने का, और अपने हाथ से फूल चुन के लाके माता का हार बनाना बहुत किस्मत की बात है। काफी हो गए हैं फूल, तो लेके चलते हैं नीचे और रश्मि के साथ बैठकर बनाएंगे माला। हाँ जी, हो गया स्नान। और ये देखो फूल ले आया मैं, बहुत अच्छा किया। खुशबू इतनी है, दूर से ही खुशबू आ रही है। मैंने कहा ऊपर काफी लगा हुआ है फूल, तो ऊपर से ले आया मैं, ऊपर की साइड में। जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। मंदिर में रख देते हैं फूल। आज तो मुझे लगता है हिमालय दिखेगा, ऊपर जाके देखते हैं अगर नहीं। वो बादल हैं थोड़े से, जब थोड़ा ठंडा हो जाता है ना मौसम, उस समय ये क्लाउड्स नहीं बनते हैं, तब हिमालय के दर्शन बिल्कुल बढ़िया से होते हैं। चलो जी, अपना भी हो गया स्नान, अब करते हैं माता रानी के पूजा की तैयारी। रश्मि ने सारा सामान निकाल के रख दिया है, एक आध चीज़ और बची होगी। अच्छा, घी भी आ गया। घी को किसी डब्बे में निकाल लो, क्योंकि अखंड जोत जलेगी तो फिर इसमें से तो मुश्किल होगा। रखना तो मुझे अंदर ही पड़ेगा, क्योंकि बाहर थोड़ा जानवरों का। हाँ तो अंदर से ले जाया करेंगे। अंदर से ले जाएंगे। लो। आज तो चमका रखा है मंदिर। जय माता दी। जय मां। जल ले आओ। हैं जल ले आओ, दो बड़ भी चाहिए। जय मां। रुमाल भूल गया। माता की चुन्नी ले आया छोटी वाली। हाँ ये। एक आसन और लाओ, मैं भी बैठा करूंगा मंदिर में। ये भी मौका माता की सेवा करने का, किस्मत से मिलता है। आदमी इतना भाग दौड़ में बिजी रहता है, इन तरफ ध्यान ही नहीं जाता। शहरों में तो हम भी अब ले आते हैं मार्केट से, क्योंकि वहाँ होते ही नहीं है फूल। पहाड़ों में तो फूलों की कोई कमी नहीं है। अब की बार हमारे काम में, वैसे लास्ट ईयर हमारा कितना भरा हुआ था गेंदा, था भी बोटे वाला। तेरी एक माला बन गई। बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। हम भी बुला रहे हैं अपनी माँ को, माता रानी दर्शन देना नवरात्रों में। माता रानी की जोत के लिए बत्ती बना लेते हैं। चिड़िया का जमघट देखो जरा। लड़ाई हो रही उनकी, तो लड़ाई हो रही है खाने के पीछे।
जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। अब हार डाल दें सब। जय जगदियां जोतां वाली माता तुहाडी सदाई जय। पुलिया नूं रस्ते पाण वाली माता तेरी सदाई जय। हार डाल के फिर मिलेगी बंसरी। जय राधा माता, जय भोले भंडारी। जय हो। इसमें हम बीजेंगे अपनी मैया रानी की खेतरी। बड़ी अच्छी मिट्टी है, बिल्कुल साफ सुथरी खेतों की। ये है मैया रानी की जौ और गेहूं। इस बार कसोला हमें छोटा मिला है यहाँ से। ये जो खेतरी होती है ना, ये भी माता रानी के दर्शन होते हैं। हर घर में जहाँ भी खेतरी बीजी जाती है, जब ये खेतरी पनपती है, थोड़ी सी ऊपर दर्शन देती है, तो कहते हैं माता रानी ने दर्शन दिए। तो ये माता रानी का ही एक कहते हैं स्वरूप होता है ये खेतरी के अंदर से, जो हमें दर्शन देता है। मन की भावना है, मन से अगर आप इसको मानते हो माता के दर्शन, तो बिल्कुल उतना ही आपको पुण्य मिलेगा जो माता के दर्शन से होता है। माता अब साक्षात तो कलयुग में सबको एक एक को दर्शन नहीं देगी, लेकिन ये एक बना हुआ है माता का। जय हो, जय माँ। हाँ, पहले ये सब कर लेते हैं, फिर माता की जोत जगाएंगे। जय महारानी सदा कृपा, राधा मैया। बहुत मतलब नहीं, फर्स्ट टाइम ये पिएगा ना कसोला, पहली बार ज्यादा देना पड़ता है, मिट्टी का कसोला पी जाएगा पानी। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। उच्चे उच्चे पहाड़ा वाली माता तेरी सदाई जय। 84 कंटिया वाली माता तेरी सदाई जय। नवरात्रों में माता की आरती नहीं की जाती है। जब लास्ट दिन होता है, सातों नवरात्रे हो जाते हैं, जब हम माता का यहाँ से कंच के बिठाएंगे, तब हम आरती करेंगे। क्योंकि माता रानी को अब हमने 7 के लिए अपने घर पे विराजमान कर दिया। ये किशमिश छुआरे और काजू ड्राई फ्रूट का भोग लगता है माता को। जय हो, जय माँ जगदियां जोतां वाली माता तुहाडी सदाई जय। जय कृष्ण भगवान, जय राधा मैया, जय मेरे बाबा लाल जी महाराज, जय मेरे भोले भंडारी गणेश जी महाराज तुम्हारी सदाई जय। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगन्नाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण पंचरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण जाऊं मैं किसकी, स्वामी शरण जाऊं मैं किसकी, तुम बिने और न कोया, प्रभु बिने और न कोया, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे।
जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय मैया, जो भूल चुके हो माफ करना। जय हो। जय हो। तो दोस्तों, हमने अपनी मैया रानी को 7 दिन के लिए अपने घर में विराजमान कर दिया है। ये प्यारी सी ज्योत माता की जल रही है, कितनी सुंदर लग रही है। और ये माता की खेतरी, ये प्रसाद, प्रसाद तो दे दो भाई। ये सभी हमारे, ये गुरुजी हैं बाबा लाल जी, ये मेरे भोले भंडारी साईं बाबा, और ये हमारे माता के सबसे प्रिय श्री कृष्ण भगवान और राधा माता। मेरी माता इनकी भक्त थी। जय हो, जय हो, जय मैया। आज मैया रानी का नवरात्रा भी रखा है हम लोगों ने। ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे, थोड़ी एक एक कप चाय लेंगे, साथ में एक एक केला। दिन क्या है आज? सोमवार? नहीं, आज मेरे ख्याल से यहाँ आके तो वार भी भूल गए। क्या वार है आज? वीरवार होगा। नहीं नहीं, वीर कहाँ से हो गया यार? चलो चाय बना लो भाई। 3 तारीख है ना? हैं? 3 तारीख आज वीरवार है। वीरवार है? अरे वो एक कॉटेज और नया बना है क्या वो सामने, ब्लैक छत वाला? कौन सा? वो ब्लैक ब्लैक छत जो है वो तो बंद तो रहा था। ये मतलब अब कंप्लीट हो गया लगता है। हाँ, उसमें रहते हैं अब तो, लाइट जलती है रात को। बहुत ही खूबसूरत वैली है हमारी, रात को तो लाइट जल रही होती है वहाँ। आज घी में फर्क आ गया। हाँ, घी थोड़े बड़े बड़े हो रहे हैं ना वो, देखो। ओ वाह, उसमें थोड़ा सा फर्क नजर। एक इधर भी तो था। आप ऐसे कह रहे थे पीला? नहीं, पीला तो एक लौकी है लगी हुई है। हाँ, एक वो उधर है। लौकी तो बहुत आ रही है अब, एक ये छोटी सी ये आ रही है। हाँ, ये भी है, सामने भी है। ये तो तेरे को 3-4 दिन में खाने को मिलेगी वो वाली, हफ्ता लगेगा। बड़ी नहीं नहीं, जब ये बढ़ती है बहुत स्पीड से बढ़ती है। कल और आज में फर्क है? हाँ, उधर उस साइड में भी लग रखी है। कल और आज में फर्क है? 8-10 लौकी आ गई है इसमें। तो ठीक है, नवरात्रों में घी का घी खा लेते हैं। नवरात्रे में घी का हलवा, घी की बर्फी नहीं खाते लोग? हाँ हाँ हाँ, बर्फी वो तो। ये हमारे गोल घिया भी आ रहे हैं, छोटे छोटे गोल घिया। इसमें उतनी बढ़ोतरी नहीं हो रही। इसमें उतनी, ये थोड़ा स्पीड कम है इसकी। ये पता नहीं खाद वाद अब तुमने डाली है, कल तो हो सकता है आ जाए। हाँ, ये तो ऊपर हमारी ग्रिल पे चढ़ गए, उधर पेड़ पे भी लगे होंगे घिये। तो चिड़िया चू 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 करती हैं, हम बाहर आ जाते हैं ना, ये हमें भगाती हैं यहाँ से कि जाओ, हमारा खाना पड़ा है यहाँ। खाना खा गई? ये तो गेहूं तो खत्म कर गई। अरे चावल डाले थे मैंने सुबह, वो भी खा लिया। गेहूं का तो एक दाना नहीं है यहाँ, सब खा लिया। इधर के चावल भी खा लिए, उधर के चावल भी खा लिए। चलो अच्छा, जैसे आदमी की जिंदगी में कई रंग आते हैं ना, ऐसे प्रकृति में भी आप देखो, कभी पतझड़ आता है, कभी फूल आते हैं, कभी पत्ते आते हैं। अब ये पूरा पतझड़ आ जाएगा यहाँ पर, और थोड़े दिनों में आपको एक भी ये जो ट्री है ना फ्रूट का, ये ग्रीन नहीं दिखेगा। इस तरह से पूरा उजाड़ हो जाएगा। वो एक नीचे नाशपाती का हो गया, अब इसके बाद ये प्लम वगैरह सब इनके पत्ते झड़ने शुरू हो जाएंगे। नवंबर के महीने में पूरा ये गंजा हो जाएगा और सारे ट्री जो इस तरह हो जाएंगे। सबसे पहले नाशपति के पत्ते जाते हैं, ये बब्बू गोशे और नाशपति, बब्बू गोशे के भी गए पत्ते सारे। उसके बाद फिर जब जनवरी में इन पे बहार आएगी तो सबसे पहले इन पे फूल आएंगे। वो सीन बहुत देखने वाला होता है, आपको दिखाएंगे जनवरी में। मिल्क तो दे गए थे जोशी जी। दूध तो आ गया, दूध की बोतल हमारी सुबह सुबह आ जाती है, गाय का प्योर दूध। दूध या दूध? दूध, नॉट दूध। पंजाबी तो दूध कहते हैं ना। बनाना भी बाहर निकाल दो फ्रिज में से। यही है ना बनाना। चाय बना ली है रश्मि ने, और अब लगा रही है चरपाई, और वो भी धूप में। आप देखो हैरान हो गए, यहाँ हमें धूप में बैठना पड़ रहा है सुबह, इतना ठंडा मौसम है। और अच्छी लगती है सुबह की धूप, विटामिन भी मिलते हैं और मज़ा भी आता है। लो जी, आ गई है चाय, और यहाँ बाहर वादियों में बैठकर चाय का लेंगे मज़ा, और जय माता की करेंगे, साथ में आनंद लेंगे चाय का। मतलब पहाड़ों में तो धूप की जरूरत लगने लग गई। अरे इतना बढ़िया लग रहा है सुबह की मॉर्निंग की धूप तो, इतना बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है हल्की हल्की सी सिकाई हो रही है ना। हाँ। चलो भाई, जय माता की। जय माता दी।
वैसे बनाना के साथ चाय पीते हैं लोग व्रत में तो लेते हैं, व्रत में तो ले ही लेते हैं हम लोग तो लेते हैं। पहले तो हम लोग जैसे नवरात्रे खत्म हो गए कंजकें होती थी तो कंजकें बिठा के और हम निकल लेते थे हरिद्वार मोस्टली, मतलब हर नवरात्रे के बाद हरिद्वार हमारा चक्कर लगभग कंफर्म था। पूड़ियां बनती थी कंजकों की और छोले वो लेके और अपना निकल जाते थे पिकनिक मनाने एक दिन रुकते थे नेक्स्ट डे वापस। मम्मी पापा भी थे साथ में, सर्दियों में हमारा जो है ना ये वाला कोना फेवरेट हो जाता है पूरा दिन अर्ली मॉर्निंग आ जाती है धूप, नहीं वैसे भी पूरा दिन रहती है ना और पूरा दिन। अब ये यहाँ से सूरज देवता निकले हैं मतलब निकले तो यहाँ से यहाँ आ गए ना 9:30 हमारे यहाँ पे धूप आ जाएगी उसके बाद वहाँ डिप होंगे शाम तक तो रहती है। जब तक सनसेट होता है पूरा दिन यहाँ धूप रहती है और सर्दी में अगर धूप ना हो तो फिर तो बहुत मुश्किल है यहाँ रहना। धूप तो यहाँ पे जैसे खाना जरूरी है ना धूप जरूरी है पहाड़ों में। अक्टूबर के बाद तो और भी इतना ऐसा वेदर हो जाता है कि बिना धूप के नहीं रह सकते। लेकिन जैसे वहाँ पे कोहरा वगैरह प्लेन्स में आ जाता है ना, यहाँ सर्दियाँ बहुत अच्छी खिली हुई धूप निकलती है, कोहरा नहीं होता यहाँ, कोहरा नहीं होता बिल्कुल भी। आज का क्या काम है? काम तो बहुत है, काम की क्या है, पहले तो सुहानी सी धूप निकली हुई, मैं कपड़े डालूं, धो रखे मैंने कल के, मशीन में रखे एक तो यहाँ पड़े हैं जो आधे सूखे हुए, एक मशीन में पड़े हैं, धूप निकल गई फटाफट सूख जाएंगे, दिक्कत नहीं है। दोस्तों हम लेते हैं अपनी रिटायर्ड लाइफ और इन चाय की चुस्कियों का मजा मुक्तेश्वर की वादियों में और आपसे जल्द मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।